न्यूज़ वॉल इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण और मैं हूं हरीश असवाल। और आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध पर। वो क्यों? क्योंकि कल आपने वीडियो देखा होगा किस तरीके से हमने न्यूज़ वॉल इंडिया पर वीडियो चलाया और आपका बहुत ज्यादा प्यार भी मिला। हमने बात की थी कि सनातन और मुस्लिम, इसमें क्या फर्क है। आपने इस पर अपने कमेंट्स भी दिए, सुझाव भी दिए हैं, इसी वजह से आज फिर हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। लेकिन आपको सबसे पहले बता दूं कि आज ऑपरेशन अजय के तहत जो इजराइल में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए सरकार ने पूरी जिम्मेदारी उठाई है और विमान आज रात तक रवाना हो जाएगा और कल सुबह तक सुरक्षित भारतीय नागरिक जो वहां फंसे हुए हैं उन्हें लाया जाएगा। हरीश जी मेरे साथ मौजूद है। कल हम बात कर रहे थे कि सनातन और मुस्लिमों में फर्क क्या है, किस तरह से सनातनियों को इकट्ठा होने की जरूरत है। और कल हम कह भी रहे थे कि बहुत सारी कंट्रीज जो हमास है, जो फिलिस्तीन है, उसके पक्ष में बोल रही है। आज जो रिपोर्ट आई है ना, आप चौंक जाएंगे। रिपोर्ट ये है कि 22 कंट्रीज ऐसी हैं, अरब लीग जिन्हें कहा जाता है, वो समर्थन कर रहे हैं हमास का भी और फिलिस्तीन का भी। कल ही हमने एक बात की थी वसुदेव कुटुंब, हमने कल ही ये बोला था और सभी को हमने यही कहा था कि हिंदुओं को भी एक होने की ज़रूरत है, लड़ने के लिए नहीं, एक होने की, मतलब अपने विचारों से एक होने की। आज स्थिति यह है कि मुसलमान ने वसुदेव कुटुंब को अपना लिया है और हिंदुओं ने इसको अभी तक पीछे रखा है। कल हमने बहुत इस बात पे चर्चा भी करी और काफ़ी हमने इसमें बात भी करी और इसका प्यार प्रेम भी हमें मिला, इसीलिए हमारी आज दोबारा से हम इस टॉपिक पर आए हैं। तो जिस तरह से मुसलमानों ने देखा कि हिंदू के, मतलब हिंदुस्तान के मुसलमान हो या दुनिया भर के मुसलमान हो, सब एक हो गए, भूल गए वो दोस्ती, भूल गए वो वादे, भूल गए जो इतने G20 के अंदर भी हुए थे, इनमें से एक देश ऐसा भी है जो G20 में भी शामिल था, वो सब भूल गए। उनके मुसलमानों पर आफत आई, वो सब एक हो गए। इसी प्रकार से हिंदुओं को भी समझने की ज़रूरत है कि हम टूटे नहीं, हम बिखरे नहीं, हम सभी जातियाँ एक प्लेटफॉर्म के अंदर लाएं, वो है हिंदुत्व, उसके अंदर आना बहुत ज़रूरी है। यही हम हमेशा से बोलते हुए आ रहे हैं। अब आप हमास की बात करें, हमास पूर्णतः आतंकी है, आतंकी हमले के अलावा और कुछ है ही नहीं। अब हमास ने कहा है कि इसराइल ने रूल तोड़ा है, जेनेवा कन्वेंशन का रूल तोड़ा है, उन्होंने ये इस बम का इस्तेमाल किया है। आपने जो किया वो रूल क्या, वो रूल था क्या, किसी पे हमला कर देना, किसी की बहू बेटियों को निर्वस्त्र कर देना, अब रेप कर देना, वो रूल में आता है। मतलब इनको रूल के हिसाब से लड़ना है और जब ये करें तो इनके लिए कोई रूल नहीं। यहाँ जो लड़ाई है वो इंसानियत की है, लेकिन इंसानियत की लड़ाई होते होते अब जो जंग का मैदान बन गया है वो है लड़ाई कि हमें वर्चस्व चाहिए, जिसके टुकड़ों पर आप पले हैं, जिसने आपको संभाला, आपको जमीन दी, सारे संसाधन दिए, उसी पर आज हमला बोल रहे हैं। तो ये फितरत है इनकी, शुरू से फितरत है। आप बताइए, पुराना इतिहास उठा लीजिए, जितने भी मुगलों का इतिहास उठा लीजिए, इन्होंने क्या किया आज तक, इन्होंने धर्म परिवर्तन कराए, जबरदस्ती लोगों के राज्यों में कब्जा किया, जिन्होंने शरण दी उन्हीं को उनको कब्जा किया। इनका फितरत है, ऐसे नहीं 60 लाख मुस्लिम मार दिए गए थे, आपको याद होगा किसके टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, और वहीं से 20 लाख जो है मुस्लिम ये वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए थे। तो इसराइल ने इनको उस टाइम रहने के लिए जगह और ये सब दिया था। आज क्या हो रहा है, ये आज इसराइल से ही लड़ने बैठ गए। तो ऐसे नहीं कि इतिहास में कोई कुछ बोला गया इनके लिए, इतिहास कुछ ना कुछ कहता है, इतिहास कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन एक नया इतिहास बनाने की तैयारी चल रही है। इतने सारी कंट्रीज है, एक बैठक बुलाने की तैयारी है OIC जिसमें 57 मुस्लिम देश है, तो अगर इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है चलेगी तो फिर हमारे जैसे देश, भारत की मैं बात कर रही हूँ, और भी बहुत सारे देश है जिसमें बहुत सारे हिंदू रहते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन रहते हैं, वो देश कहाँ जाएंगे? आप लोग तो सिर्फ एक लड़ाई की वजह से, सिर्फ एक छोटे के हिस्से की वजह से आप लोग इकट्ठा हो गए हैं और आप लोग मारकाट शुरू कर दिया है, बुरे हाल हो रखे हैं दोनों तरफ से, 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये एक वर्ल्ड वॉर 3 की जो है ना तैयारी चल रही है, समझ लीजिए।
अगर इसी तरह का माहौल रहा तो वर्ल्ड वॉर थ्री होने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज एक तरफ हो रही हैं, यहूदी एक तरफ हो रहे हैं, हिंदू राष्ट्र एक तरफ हो रहे हैं, तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है वर्ल्ड वॉर होने में। भारत का पक्ष कहाँ है? भारत का इसराइल के साथ है, साफ एकदम इसराइल के साथ है। इसराइल ने हमारे को मदद की थी कारगिल के टाइम पे, हमें इक्विपमेंट वाइज हमें मदद की थी उन्होंने, और अनकंडीशनल मदद की थी। आज दोस्ती निभाने का टाइम तो है। आज भारत अगर ये करता है कि उनके उनके पक्ष में नहीं खड़ा होता तो भी गलत है। उन्होंने हमारे को कंडीशंस उसके बाद साइन हुई है, अनकंडीशनल उन्होंने हमें इक्विपमेंट्स दिए थे उस टाइम। और हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत इसराइल के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, और ये किससे छिपा नहीं है। हम बिल्कुल खुले मन से कह रहे हैं कि हम इसराइल के साथ हैं और इसराइल के साथ ही खड़े रहेंगे। अब भारत के अंदर आपने बात करी, भारत में इसराइल के साथ खड़े हैं तो मतलब बीजेपी सरकार इसराइल के साथ खड़ी है। अब हमारे यहाँ इंटरनल क्या हो रहा है, कांग्रेस अगेंस्ट में, तो इसराइल का साथ देने के लिए भी वो तैयार नहीं है। वो बोलते देश नहीं, अभी तो वोट की राजनीति होनी चाहिए, तो वो एक तरह से फिलिस्तीनियों के साथ जाके खड़ी हो गई। लेकिन ये उन नेताओं को समझना होगा कि अगर देश का मुसलमान है तो अगर हिंदुस्तान में रह रहा है तो हिंदुस्तान की सुनेगा। नेताओं को कहाँ समझना होगा इसमें, नेताओं को कहाँ समझना होगा? नेताओं में अगर समझ होती, अगर उनके अंदर समझ होती तो हिंदुस्तान के साथ खड़े होते ना। उनको ये जनता को समझना होगा कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो बरगलाने की कोशिश बरगलाने की कोशिश है। आप बाहर जो चीजें हो रही है, जिस तरह से हिंदू की मैं बात कर रही हूँ, जो मुस्लिम कंट्रीज है वो इकट्ठा हो रही है, इससे तो गलत मैसेज वर्ल्ड वाइड जा रहा है। बिल्कुल, इस्लामिक कंट्रीज एक तरफ, बाकी कंट्रीज एक तरफ, तो ये तो वर्ल्ड वॉर थ्री का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वैसे हालात बन, बिल्कुल वैसे ही हालात बन रहे हैं। हमारे इंटरनल इतनी मुस्लिम, जो हमारे 22 करोड़ की जनसंख्या हमारे मुसलमानों की है, और आपने देखा होगा कल भी हमने जिक्र किया था, सारी यूनिवर्सिटीज में इनके खिलाफ पैदल मार्च निकाला जा रहा है, इनके सपोर्ट में निकाला जा रहा है। कल भी हमने यही कहा था, किसी महिला के साथ अभद्रता करना, देश के किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में, महिला महिला है। और अभी हम ये समझ पा और रहे आज हम उसी जो कल तक हम मांग कर रहे थे संसद में, आज हम उसी के अगेंस्ट में खड़े हैं। इनको ये समझना पड़ेगा कि तुम कल क्या थे, आज क्या, तुम्हारा चरित्र इतनी बार कैसे बदल रहा है। कम से कम अपने देश के अंदर तो एकता रखो। अपने देश के अंदर इनकी एकता नहीं है, कुछ भी जो भी नरेंद्र मोदी सरकार करेगी उसके अगेंस्ट बोलना है, तो ये गलत है। और ये वर्ल्ड वाइड उन कंट्रीज को भी समझना है जो कंट्रीज फिलिस्तीन का हमास का साथ दे रही है। हमास का कमांडर है महमूद अल जहर, नाम से ही जहर उगल रहा है, तो बताने की शायद जरूरत ही नहीं है। इतना विभस्त और इतना चिंताजनक संदेश है कि अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हर कोई इसे सोचने पर मजबूर हो जाए। इंटरनेट पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अब उसे दावा किया है कि इसराइल से शुरुआती लक्ष्य है, लक्ष्य दुनिया भर पर राज करना है, प्रभाव बढ़ाना है, और यह अशुभ चेतावनी है पूरी तरीके से। पूरा मैं इस एकदम स्टेटमेंट जो है वो बता देती हूँ। इसराइल केवल पहला लक्ष्य है, पूरा ग्रह हमारे शासन के अधीन होगा। उन्होंने आगे कहा कि पृथ्वी का पूरा 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर हिस्सा अन्याय, उत्पीड़न और लेबनान, सीरिया, इराक और विभिन्न अरब देशों में फिलिस्तीनियों और अरबों के खिलाफ देखी गई हिंसा अपराधों से रहती प्रणाली के अधीन होगा। ये देखिए, यहाँ ये जो दर्द है ये इन उस कंट्रीज के लिए उजागर हो रहा है। अल जहर, महमूद अल जहर, तो आपने नाम बताया हमास कमांडर अल जहर। तो जहर साहब, आप आज की रात काट लो तो कल की बात करेंगे, आज की रात ही आप पे बहुत भारी पड़ने वाली है। आप प्लैनेट की बात करते हो, आप प्लेट के लायक नहीं रहने के, आप प्लैनेट तो छोड़िए, अपनी खाने की तस्तरी बचा लो तो बहुत है। तो इस तरह के बयानबाजी जब ये अल जहर साहब कर रहे हैं ना, ये डर कह रहा है इनका, ये कुछ और नहीं है, ये मरते मरते अपने जहर उगल के दुनिया के सारे मुसलमानों के अंदर वो दर्द छोड़ के जाना चाहते हैं कि देखिए कि अब मुसलमान एक हो जाओ। एक तरफ हम इतनी बड़ी बड़ी बैठकें करते हैं, मुस्लिम कंट्रीज भी इसमें शामिल होती है आतंकवाद को रोकने के लिए। अभी हमास का कमांडर चिल्ला चिल्ला कर वीडियो बना रहा है और कह रहा है कि ये लक्ष्य तो पहला है, ये सिर्फ शून्य मात्र है, हमें पूरे अपना प्रभाव बढ़ाने का मतलब है कि आप ऐसे लोग तैयार कर रहे हो, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हो, हथियार दिलवा रहे हो। सबसे बड़ा सवाल कि हथियार इतनी बड़ी मात्रा में रॉकेट लॉन्च करने के लिए दे कौन रहा है? हमास के पास इतना बड़ा हथियार, जो 5,000 रॉकेट उन्होंने दागे हैं, तो कहीं ना कहीं से गल्फ कंट्रियों से इनको सपोर्ट तो था,
और इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर मैं बोलूँगा कि इसराइल का हुआ है तो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही सूझबूझ से हमास ने किया है, जो बिल्कुल नाक के नीचे से इनके लगे, जबकि पूरा कंट्रोल इस टाइम इसराइल का था वहाँ पर। अच्छा, इसराइल का मैं जिक्र करूँगी, इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका एक बयान बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अब बस बहुत हो गया, बर्दाश्त की हद हो गई है, हमास को मिट्टी में पूरी तरह से मिला दिया जाएगा, ज़मीन से नामो निशान ख़त्म कर दिया जाएगा। तो क्या ये समझा जाए कि अब हमास का खात्मा हो जाएगा, या तो इसराइल रहेगा या फिलिस्तीन रहेगा? बिल्कुल, ये मेरे को लग भी रहा है कि इसी प्रकार से कुछ होने वाला है। इसमें बेगुनाह भी मारे जाएंगे, इसमें बेगुनाह मारे भी जा रहे हैं, नागरिक वहाँ मारे गए, कई बेगुनाह भी मारे गए हैं। पर क्या होता है कि ऐसी सोच को अगर नहीं कुचला गया तो दिक्कत का है। तो उनका बयान कोई गलत नहीं है, सोच को तो मारना पड़ेगा। अच्छा, ये जो लड़ाई है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये गाज़ा पट्टी की लड़ाई है, क्षेत्रफल की लड़ाई है, कोई कह रहा है कि धर्म की लड़ाई है, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, वो यहूदी हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे ऊपर आप शासन नहीं कर सकते हैं, हमें अलग से देश बना दीजिए, हमें हमारे अलग से संसाधन, अलग से सारी फैसिलिटीज़ दीजिए, अपनी टेक्नोलॉजी हमें दे दीजिए। बेसिकली यही लड़ाई है या कुछ और अंदर चल रहा है? नहीं, लड़ाई टेक्नोलॉजी, जमीन तो उनके पास ऑलरेडी अलग से ही है, देश भी उनका अलग से ही है। अब उनकी जो लड़ाई है पूरे विश्व पे कब्जा करने की है। ये नहीं है कि आज एक डिमांड है तो कल दूसरी नहीं आएगी। वर्चस्व बढ़ाने की लड़ाई है कि देखिए हमने एक अपनी डिमांड पूरी की है ना, तो अब दूसरी मांग लेते हैं, क्योंकि अब हमारे इजीली हो गया था या हमने खून खराबे के साथ ये अब। तो ये उनका स्ट्रेटेजिक वो है, और आज से नहीं, युगों से इनकी स्ट्रेटेजी इसी प्रकार से रही है। अच्छा, इनके इतिहास की मैं बात करूँ, आप इतिहास पर डिस्कस भी कर रहे थे, अगर मैं बात करूँ इसराइल का, फिलिस्तीन का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है? बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इसको अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि इनको इसराइल में इनका बसने का जो है, इसराइल का जो इतिहास है वो 4000 साल पुराना है, और इनका जो इतिहास है आपके फिलिस्तीन वाला जो इतिहास है वो ज़्यादा पुराना नहीं है, 200 साल पुराना है। तो फिर क्यों मुस्लिम कंट्रीज़ इतने बड़े स्तर पर इनका सपोर्ट कर रही है, और खुले मन से अब तो सपोर्ट हो रहा है? एक तो पहले दबी जबान से सपोर्ट हो रहा था, अब तो खुलकर सामने बैठक करके। अमेरिका ने जब से इसमें हस्तक्षेप किया है, अमेरिका ने जब से, थोड़ा सा मुस्लिम कंट्री बैकफुट पे हैं, पर बैकफुट पे ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं पर बैकफुट पे हैं। बैकफुट पे उनका यह है कि अमेरिका ने कहा कि जो भी इस देश के साथ, जो इनके साथ खड़ा होगा, समझ लिए वो हमारे अगेंस्ट खड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे, पर फिर भी इन लोगों की सोच और इन लोगों की मानसिकता जिस प्रकार की है वो सिंपल है कि इस टाइम पे हमें कुछ और नहीं सोचना, हमें मुसलमान को बचाना है। वो कोई भी हो, वो वर्ल्ड का कोई भी मुसलमान हो, वो आतंकी हो, विद्रोही हो, किसी भी मानसिकता का हो, कितने भी बहन बेटियों का रेप कर रहा हो, वो मुसलमान है। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि किस तरह से वो घसीट के ले जा रहे थे महिलाओं को। तो कहीं अब लड़ाई जो है वो हिंदू मुसलमान की नहीं हो रही है, सिर्फ लड़ाई हो रही है कि मुसलमानों को बचाना है। हिंदू तो वहाँ पर अभी है नहीं। मैं तो हिंदू को इसलिए लाया कि हम हिंदुओं को किसी न किसी से सीख लेनी चाहिए, हमें समझना है। मैं हिंदुओं का वहाँ से कोई लेना देना नहीं है, मैं हिंदुओं को सिर्फ इस बात को लेके आ रहा हूँ कि हमें कहीं ना कहीं अपने दोस्त से, दुश्मन से, किसी न किसी से सीखना चाहिए। हम पिक्चर भी देखते हैं तो उससे कुछ ना सीख लेते हैं, तो वही पिक्चर हमारे सामने, हमें सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से पूरे मुसलमान विश्व के एक हो रहे हैं, आप एक हिंदुस्तान के अंदर एक होने में आपको इतना संकट, इतना कष्ट क्यों? मेरा कहने का मतलब पॉइंट यही है, ये समझने की जरूरत है कि अगर हम दोस्ती दिखा रहे हैं इसराइल के लिए तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको समझना पड़ेगा। और आप अगर आप इतिहास खंगालेंगे कारगिल युद्ध का, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी कि इसराइल ने बिना किसी मोटिव के हमें सपोर्ट किया था, कुछ भी उसके शर्तें नहीं थी, कुछ भी शर्तें नहीं थी। हालांकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझौते किए, टेक्नोलॉजी हमने ली, बहुत सारी चीज़ें, अब इसरो है हमारा, उसके सपोर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हमने ली थी। तो हमें समझना होगा कि देखिए, आपने हमारा सपोर्ट किया जब हम कमज़ोर पड़ रहे थे, या जब हमें ज़रूरत थी आपने हमारी मदद की, तो हम बिना किसी शर्त के आज आपकी मदद के लिए तैयार हैं। कि मित्रता तो इसी को कहते हैं कि संकट में ही मित्र की असली पहचान होती है। तो आज वो संकट में है, तो हम ये नहीं कि वो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत स्ट्रांग है या कैसे हैं, अगर मित्र ने फ़ोन किया है तो मित्रता निभाने का समय भी है, और भारत बिल्कुल सही कर रहा है।
रशिया इसलिए अगेंस्ट में है क्योंकि अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, तो रशिया इसलिए तो खुलकर कुछ, मैं एक चीज, ये पर्सनली मेरा थोड़ा हो सकता है, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ 2021 में, हमने ये दोनों वॉर देखे थे, इसराइल फिलिस्तीन का भी देखा था और हमने अफगानिस्तान का भी देखा था, तालिबान अफगानिस्तान का, बहुत सारे वॉर देखे हमने, छोटी छोटी लड़ाइयाँ युद्ध होते रहते, कहीं एक बम, कहीं एक रॉकेट लॉन्च कर दिया, कहीं कुछ हथियारों से हमला कर दिया, लेकिन जो बड़ी शक्तियाँ जो अपने आप को महाशक्तियाँ बताती हैं, चाइना हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका तो खैर अब भारत से बिल्कुल एकदम दोस्ती वाला वो है, खुलकर नहीं बोलते, क्या वजह क्या है इसके पीछे? वजह देखिए, बोलते ना कि ये इनको यूक्रेन में यूएस ने सपोर्ट नहीं किया था, यूक्रेन का सपोर्ट यूएस ने किया था और वहाँ युद्ध लड़ रहा था आपका रशिया, अब यहाँ पर फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं रशिया वाले, मतलब ऐसे सपोर्ट नहीं किया है बट उन्होंने एक तरह से इसराइल को ही गलत बताया। उस एक खुंदस होती है ना, वो उस खुंदस में उन्होंने ये कहा है कि भाई यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये अमेरिका की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं, तो एक दूसरे पे कटाक्ष करना, और कहीं ना कहीं कटाक्ष कहीं महंगा भी पड़ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ की स्थिति कैसी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखिए भारतीय नागरिक जो वहाँ पर फंसे हुए, उनके यहाँ पर भी उनके रिश्तेदार, उनके माँ बाप, भाई बहन, हर कोई रहता है। हम ये क्यों ट्रेंड करा रहे हैं कि अब जो है फिलिस्तीन को उठने की जरूरत है, फिलिस्तीन को जागने की जरूरत है, बहुत अत्याचार सह लिया, ऐसे तो कोई कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इसराइल ने पहले हमला किया हो। माहौल ना होता ना तो ये बात उठती नहीं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी अज्ञानता की कमी यही है कि आप अपने चुनाव, अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, ये लालच जब तक रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमें प्रधानमंत्री या हमें सरकार कैसे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसी सरकार चाहिए जिन्होंने एक वोट के लिए अपनी सरकार गिरा दी थी। वो आज की जो स्थिति है किसी भी कांग्रेस की या बीजेपी की, एक सीट उनका कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर एक वोट से कहीं गिरे बहुत मुश्किल काम नहीं है, और उन्होंने कहा था मैं सिद्धांतों का से समझौता नहीं करूँगा। इसी प्रकार से हमें अपने देश के अंदर अगर हम सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं ना तो सबसे ज़्यादा गलत है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है, आज दोनों पक्ष, चाहे हमारा बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अदर पार्टीज भी हो, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आज भी आदर से लेते हैं क्योंकि उन्होंने सभी गुटों से अच्छी बना के, उन्होंने कहा कि हमारी विचारों की लड़ाई हो सकती है पर हम सब देश के लिए मतभेद हो सकते हैं, मनभेद कभी नहीं हो सकते। तो ये इस तरह के विचार के लोग हमें चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था एक वीडियो में, मैं देख रहा था उनको पुराना, उन्होंने कहा था कि 15% उस टाइम पे मुस्लिम थे और 85% हिंदू थे, और 85% हिंदू अगर ये कहें कि हमको राइट ज़्यादा मिलना चाहिए और 15% वालों को कम मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा था नहीं, ये भी नहीं होगा। एक समान अधिकार की बात की थी उन्होंने और उस पर हमेशा से टिके रहे, हमेशा से। तो हमारे भारत की सुंदरता यही है कि हम सबको एक होना चाहिए, पर आजकल स्थिति इस प्रकार से हो रही है कि हम जहाँ वोट की राजनीति, बैलेट बॉक्स की राजनीति में आते हैं तो हम उस टाइम देश को भूल जाते हैं। हमें देश को याद रखना चाहिए। ये मैं बोलता हूँ नेताओं को जो बोलना है बोलें, है ना, इन पे अंकुश लगाना है काम इनकी पार्टियों को होना चाहिए, पर जो पावर हमारे हाथ में है उसका तो इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल। और ये जो वीडियो है ये हम इसलिए हमने बनाया है ताकि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, क्योंकि इससे बहुत लोगों की मदद भी हो सकती है, लेकिन जो गलत मैसेज एक आगे जा रहा है उसको भी रोका जा सकता है। देखिए इससे हमें, जैसा कि हरीश ने कहा, कि हमें ये सीखने के लिए मिल रहा है कि वास्तविक कुटुंब वाकई में है क्या, एकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बात जब युद्ध की आती है तो कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, तो जंग में भी सब कुछ जायज़ है। इसराइल हमारा मित्र है, भारत हमेशा से ही कहता आ रहा है और आज भी डंके की चोट पे कह रहा है कि हम इसराइल को ही सपोर्ट करेंगे, भले कितनी इस्लामिक कंट्री फिलिस्तीन को सपोर्ट कर ले। ये हमें समझना ज़रूरी है। और आप बहुत ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कल हमने जो वीडियो दिखाया था आपको, आपने बहुत सारा प्यार दिया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमें बताएं कि आप और इसराइल और फिलिस्तीन के बारे में क्या कुछ जानना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताएं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। जी, तब तक के लिए आप देखते रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और इसी तरह प्रकार से अपना प्यार हमें देते रहें, अपने कमेंट्स के द्वारा हमें जागरूक करते रहें ताकि हम
अपना ज्ञान और बढ़ाकर आपके पास आ सके। तब तक के लिए नमस्कार।